देखिए, सबसे बड़ी हमारी जो मांगे थी, हम कई समय से लगे हुए थे कि जो अधिवक्ताओं के साथ दुर्व्यवहार ये न्यायिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है, और न्यायिक अधिकारी अपने आचरण और व्यवहार में सुधार लाएं, वो अपना व्यवहार और आचरण में सुधार नहीं ला पा रहे हैं। और ये पूरे प्रदेश में, क्योंकि ये बार काउंसिल का आह्वान है, पूरे प्रदेश में आज अधिवक्ता कार्य से विरत है, कोई भी अधिवक्ता कार्य नहीं कर रहा है और सब आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, क्योंकि हम भी ये एक जिसे कहते हैं तूफान आने से पहले की शांति अब तक चल रही थी, आज तूफान आ चुका है, और अगर फिर भी कोई दिक्कतें महसूस होंगी तो हम जो माननीय उच्च न्यायालय हैं वहाँ के भी दरवाजे खटखटाएंगे कि वादकारियों के साथ क्या हो रहा है, अधिवक्ताओं के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम ही वादकारी को न्यायालय का सम्मान और न्यायिक अधिकारियों का सम्मान करना सिखाते हैं कि तुम्हें करना क्या है, कैसे तुम्हें सम्मान करना है कोर्ट का। लेकिन ये जब अधिवक्ता और वादकारियों का सम्मान नहीं हो पाता, ये बड़े चिंताजनक विषय है। और कई चीज़ें होती हैं कि जिससे ये चीज़ें बढ़ी है, राजा प्रजा के बीच की दूरी बढ़ गई है, वो अपने को राजा समझते हैं, हमें प्रजा समझते हैं, और राजा क्या, जो अंग्रेजों के ज़माने का कानून चला आ रहा है, जो व्यवस्थाएं वो चली आ रही है वही चली आ रही हैं आज भी, और बल्कि इसे और अंग्रेजीपन पे, अंग्रेजियत पे लीपापोती करी जा रही है, और उसे अंग्रेजों से भी और मुझे लगता है ये अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये बहुत ही गलत हो रहा है कि कम से कम हम हिंदुस्तानी संस्कृति का, हमारी रूढ़ी संस्कृतियाँ, इन्हीं से तो हमारे कानून बने हैं, लेकिन उनका भी पालन नहीं हो पा रहा है। तो ये बड़ी दिक्कत वाली हमें महसूस हो रही है। और जो हमारे समाज में जिसे बताते हैं कि चाहे हमारा स्वतंत्रता का आंदोलन रहा हो, पूरे हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ था, हम इंग्लैंड से आज़ाद हुए थे, तो अधिवक्ताओं की बढ़ चढ़ कर भूमिका थी, अधिवक्ता उसमें भी थे। उत्तराखंड आंदोलन हुआ जब अधिवक्ताओं का बहुत बड़ा योगदान था, ये सब आप लोगों को, पत्रकार महोदय को भी पता है, सबको पता है। देखिए, हल्द्वानी जो माननीय उच्च न्यायालय स्थानांतरित हो रहा, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हल्द्वानी में नैनीताल में एक बहुत बड़ा अंतर है कि नैनीताल में धर्मशाला तक नहीं है कि न्याय चला निर्धन से मिलने, तो निर्धन कैसे नैनीताल चला जाता, कहाँ वो रात को रहता, ये बड़ी समस्या थी। और वहाँ होटल जिस समय सीजन होता था, वहाँ होटलों की ऐसी वो रहती थी कि वहाँ कमरा तक नहीं मिल पाता था, जो कमरा 1000-2000 का मिलना चाहिए था वो उस टाइम पे 50-50 हज़ार रुपये का मिलता था। तो ये न्याय चला निर्धन से मिलने वाली जो कहावत है वो चरितार्थ तो हो रही है, क्योंकि हल्द्वानी में कम है जो है पर्यटक, वहाँ नहीं जाते, तो वहाँ पे इतना जरूर होगा कि वहाँ के जो लोकल हैं उन्हें भी फायदा होगा, एक महंगाई पर जो गरीब आदमी है उसे भी न्याय मिलने की पूरी वो है कि उसे न्याय मिलेगा, भले वो गरीब है। लेकिन नैनीताल में बड़ा ये असंभव हो रहा था, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय का बहुत स्वागत करते हैं, सरकार का भी स्वागत करते हैं। देखिए, ये चीज़ें कई बार घट चुकी हैं, ये एक बार नहीं है। पहले हमारी तीसरी मंजिल से एक जो पुलिस उसे पकड़ करके लाई थी वो अपाहिज था, और उसने उसके साथ ऐसा व्यवहार हुआ कि उसने तीसरी मंजिल से छलांग लगा के बेचारा मर गया था। तो तब भी हमने देखा, जब बहुत जोर की आवाज़ आई तो हम शहीद स्मारक पे खड़े थे, हमने कहा ये क्या बम फटा, तो जब हम वहाँ पे गए तो हमने देखा कि एक आदमी वहाँ पे मरा पड़ा है, ऊपर से छलांग लगाई उसने, तो देखा कोई न्यायिक अधिकारी उसके साथ नहीं था। और हम मैं सचिव साहब और हमारी कार्यकारिणी या जो भी अधिवक्ता उस समय पे मौजूद था वो लोग गए, लेकिन कोई नहीं गया। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले की घटना है, न्यायालय के अंदर ही एक महिला जो है वो गिर पड़ी, जब गिर पड़ी तो कम से कम उसे पानी के लिए पूछना चाहिए था, उसे देखना चाहिए था, उसे कोई ना देखा ना पानी पिलाए। आधे घंटे बाद एम्बुलेंस आई, जब एम्बुलेंस आई, जब अधिवक्ता शामिल हुए एम्बुलेंस आई, तो फिर जाके जब जैसे उसे दून अस्पताल में ले गए, बगल में ही दून अस्पताल है, वहाँ पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। तो ये क्या, जो कहते हैं ना कि अहंकार के अलावा तो अधिकारियों में कुछ दिखाई नहीं दिया। जो हमारे संस्कार हैं, हमारे जो परिवार संस्कार सिखाती है कि अगर घर के बाहर ही कोई पड़ा है तो हम एम्बुलेंस को फोन करके बुलाते हैं, और इनके घर के अंदर पड़े होने के बाद भी ये किसी को नहीं बुलाते, ये एक शोचनीय मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। इस तरीके से कैसे ये देश चलेगा और कैसे न्यायपालिका पर लोगों को विश्वास होगा, आज बड़ी जो है विडम्बना बात की है। धन्यवाद। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के चेयरमैन की हैसियत से जो मुझे शिकायतें आ रही थी पूरे प्रदेश से भ्रष्टाचार की, न्यायिक अधिकारियों की, और असामान्य व्यवहार, और जो न्यायिक प्रशासन का संचालन है, न्यायिक प्रक्रिया का संचालन है, वो अप टू मार्क और एज पर रूल्स नहीं था। मैंने 29 तारीख को 29/10/2022 को पूरे प्रदेश के अध्यक्षों और सचिवों की मीटिंग बुलाई देहरादून में,
और उनसे फीडबैक लिया और सब ने एक मत से ये कहा कि हम सब दुखी हैं और बार काउंसिल जो है इसमें कुछ करे। बार काउंसिल ने तुरंत एक्शन लेते हुए 11/11/2022 को सारे सदस्यों की मीटिंग बुलाई हरिद्वार में और वहाँ एक मत से निर्णय लिया गया कि इस व्यवस्था के खिलाफ जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतबाजी है, असामान्य व्यवहार है, जूनियर्स को धमकाना, न्यायिक व्यवस्था का ठीक ना होना, उसकी वजह से पूरा प्रदेश का अधिवक्ता आज 22,000 अधिवक्ता रोष में है। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में आज एक एक अधिवक्ता धरने पर बैठा है और कोई भी प्रवेश नहीं किया। इवन हाई कोर्ट भी बंद है, हाई कोर्ट में कोई भी अधिवक्ता पेश नहीं हुआ और किसी भी न्यायालय में आज पूरे प्रदेश में कोई अधिवक्ता पेश नहीं हुआ। इससे सिद्ध होता है कि न्यायपालिका का कार्य ठीक नहीं चल रहा है। यहाँ पर CCTV कैमरे लगने चाहिए, यहाँ पर पारदर्शिता होनी चाहिए कि किस फाइल को कैसे देखा जा रहा है। गरीब आदमी पीछे बैठा रहता है, पूरा दिन शाम को 5 बजे तारीख लेके चला जाता है और जो व्यक्ति भारी भरकम हैसियत वाले हैं उनके मुकदमे पहले सुने जाते हैं, उनके पक्ष में निर्णय किए जाते हैं, गरीब आदमी को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। ये मेरा कहना है, इसीलिए सारी बार एसोसिएशन को मैं बधाई देता हूँ, पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं को बधाई देता हूँ, हर एक ताल्लुक, तहसील, जिले के अध्यक्षों और सचिवों, कार्यकारिणी और सारे अधिवक्ताओं को भी धन्यवाद करता हूँ कि सब एक साथ हुए। आज हमने दिखा दिया उत्तराखंड में और पूरे भारतवर्ष में मैसेज जाएगा कि अधिवक्ता समाज के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, ना ही वो अन्याय सहेंगे। ये तो अभी अंगड़ाई है, अगर इससे व्यवस्था नहीं सुधरी तो निश्चित रूप से पूरा प्रदेश अनिश्चितकालीन के लिए बंद करा दिया जाएगा, ये मेरा मानना है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।